श्रेयस, लेकिन आप भी ऑलमोस्ट सारे के सारे गोलमाल से जुड़े हुए हैं एक तरह से, काफी काफी समय से. What's the funniest memory? Fondest तो छोड़ो. Actually, इतना हंसा हूं इस वाली में भी कि आप अगर गोलमाल की फिल्में अगर ठीक से देखो ना तो you'll find me laughing in every shot. जहां पे मेरी डायलॉग नहीं है या है भी, थोड़ा मैं हंस के बोल रहा हूँ बिकॉज ये बाकी सारे लोग इतनी पागलपंती करते रहते हैं ना कि यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम लाफिंग. श्रेयस इज अ हैबिट वो लाफ्टर के साथ ही क्लैपिंग लाउडली, शी इज लाफिंग पूरी मेकिंग में. आई हैव सीन एवरी शॉट ऑफ श्रेयस कोने में इधर उधर एवरीवेयर लाइक. श्रेयस के नाम के इतने सारे मिसप्रोनाउंसिएशंस मैंने सेट से लेके डबिंग तक सुने हैं कि कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि किसकी बात की जा रही है. जब मैं डबिंग कर रहा था तो मुझे बोला गया था कि यार तुम सुरेश की लाइन के बाद डब करो. मैंने कहा सुरेश? मैं भी हाँ बोल दिया, सीनियर है हमारे साउंड रिकॉर्डर. तो मैं बोला हाँ सर करता हूँ. कहता यार फिर अरे तुमने किया नहीं. मैं बोला सर कब करना है? वो जब सुरेश बोलेगा ना तब तब मुझे समझ आया सुरेश की बात कर रहे हैं. काफी मतलब श्रेष्ठ कहते हैं, सीरियस भी कोई कोई लोग बोल लेते हैं. अच्छा, आप लोगों को डर लगता है कभी कभी अपनी गाड़ियां सेट पे पार्क करने में? रोहित शेट्टी सर की पिक्चर है, रोज आते हैं, उनका मन करता होगा किसी के नीचे डायनामाइट लगा दूं, किसी के अंदर वो जेल ब्लास्ट कर दूं, उड़ा दूं गाड़ी को. कभी डर लगता है? महंगी महंगी गाड़ियां आपकी कहीं की नहीं, हम लोग ऑटो से जाते हैं सेट. नहीं बेटा ये तो खैर खासियत है, अगर रोहित सर की पिक्चर में गाड़ी ना फूटे तो मजा नहीं आता है कि नहीं. अब पॉइंट गेम है जिसमें आपको पॉइंट करना है उस इंसान की तरफ जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं. हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्विकली आपको उस बंदे की तरफ पॉइंट कर देना है जिसके ऊपर ये सबसे ज्यादा फिट होता है. Correct. यानी कि आपके सेट पे सबसे ज्यादा सोता कौन था? अर्शद सर. आई एम शॉक. Where do I see? I don't know actually. Seriously, अपने बारे में कितनी सारी चीजें मालूम पड़ रही है. नहीं ये कब होता है? जब सो जाते हैं मतलब रात के टाइम में नॉर्मली? नहीं नहीं, अब सेट पे नहीं, लेकिन अगर हमारी लंबी ब्रेक होती है तो हमेशा अर्शद वापस आके बोलता है यार मैं तो सो गया यार. लंच ब्रेक वेले बैठे बैठे सो जाओ मतलब. हाँ अच्छा, सेट पे सबसे ज्यादा खाता कौन है? खाता कौन है? कुणाल. और बहुत प्राउडली बोलता है अरे रोहित पता है मैंने आज 8 वड़ा पाव खाए. हम जब 3 की शूट कर रहे थे, हम रामोजी फिल्म सिटी में थे, मिथुन दादा यूज्ड टू कुक फॉर अस. हमने सबने इनका नमक खाया. हमने सबने इनका नमक खाया. अभी खाने की बात हो रही है ना, कुणाल कुछ नहीं मिलेगा तो आइस खाता रहता है. गोलमाल 3 का एक कुणाल ने एक बहुत बड़ा डिजास्टर किया था. क्या क्या था ये? आई वी वांट टू नो. जानना है. और 3 में अगर सीन अगर आप लोगों को याद हो, दादा वो भूत वाले कपड़े पहनते हैं. हाँ, 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 हाँ. और इनको लगता है कि अजय आए हुए हैं. हाँ. तो पकड़ते हैं और बहुत मारते हैं, तो वो डुप्लीकेट कर रहे थे. दादा को भी पता नहीं क्या हुआ, आधी रात को बोलते हैं नहीं नहीं ये एक शॉट मैं दूंगा. अब हुआ क्या, इनको नहीं मालूम कि दादा है, और दादा को नहीं मालूम कि रियल में पढ़ रही क्योंकि फाइटर है. दादा गए हैं और जो उसके बाद का जो शॉट है वो एक्चुअली दादा का एक्सप्रेशन है क्योंकि उनको रियल में पड़ी है इसके चक्कर में. दादा से ज्यादा शॉक में मैं था क्योंकि मुझे नहीं पता था. झूठ नहीं बोल रहा है, तूने मारा और मैं चिल्ला रहा हूँ कुणाल लग रहा है, लग रहा है। अच्छा चालू शॉट में बोल रहे हैं दादा जैसा बोल रहा है फाइटर और मार रहे हैं. जब रोहित ने बोला अरे दादा है अंदर, क्या बात कर रहा है, धाड़ा सब गायब हो गए. दादा 7 साल हो गए. एक बात अभी कन्फेस कर सकता हूँ नेशनल टेलीविजन पे, मैं चाहता तो शॉर्ट कट कर सकता था बट मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा था आपका. ये सब गोलमाल है दादा. अभी इन्होंने एक झूठ कहा है. हाँ. कि ये जो रोहित साहब है उसने कहा कि दादा ने बोला कि एक शॉट मैं भी देता हूँ. मैंने नहीं बोला, एक्चुअली वो इसने बोला. लेकिन दादा एक्चुअली बहुत इनोसेंट है. दादा बहुत बार फंसे मेरे चक्कर में. जो बोलेगा इसकी एक बात यकीन नहीं करना. सही है. वो प्यार बहुत ही घटिया लोग दोनों. नहीं सर यकीन मत करो. मैं इस बात पे तो यकीन है. आप ये बताइए कि रोहित सर डायरेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट कैसे करते हैं? और श्रेयस ने मुझे बदनाम किया हुआ है. ये दोनों से बाकी डायरेक्टर बदले. मैं पहले से बोल रहा था निकाल दें दोनों. हाँ प्लीज. अच्छा कम ऑन करो. मैं एक फिल्म का डायरेक्टर हूँ. ठीक. अच्छा. कोई और डायरेक्टर है? कोई और डायरेक्टर हूँ. एक बहुत बढ़िया एक्टर हूँ जो मतलब यू नो सोच समझ के काम करता है. मान लो एक्टर डायरेक्टर को अप्रोच कर रहा है किसी चीज के लिए. अच्छा अर्शद यार मेरे को एक सवाल है. ये मैं यहाँ से एंट्री क्यों ले रहा हूँ?
हाँ, मुझे लगता है अगर मैं इस दरवाजे से आऊंगा ज्यादा बेटर लगेगा, डोंट यू थिंक? हां, और ये लाइनें जो तूने लिखी है ना, ये दिस इज नॉट मेकिंग सेंस. ओके ओके, मैं इंप्रोवाइज करता हूं. व्हाटएवर व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, वी विल डू दैट. यहां से एंट्री, यहां से. हां ठीक है, ओके. अरे कैमरा हटा दो. नाउ कट. कम ऑन, रेडी. सेम एक्टर अभी रोहित शेट्टी को अप्रोच कर रहा है. ओके, रोहित बहुत लंबा है ना, एक्टर्स बाकी सारे इसे छोटे छोटे लगे. अरे रोहित यार, मेरे नहीं नहीं, जो जो बोल रहे सही है, मैं यहीं से आ जाऊंगा. और मैं ऐसे नहीं, रोहित को अगर मुझे कुछ बोलना है तो पहले जो आपने सीन दिखा मैं पहले देख चुका हूँ. बोला इसको डायरेक्ट अप्रोच प्रॉब्लम हो जाएगा. बोला रोहित अगर मुझे ऐसा लगता है, बोला आपको कुछ भी लगे मैं जो चाहता हूँ वही होगा. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया हूँ या अपनी बदनामी कराने आया हूँ. जनरली किसी ने आपसे पूछा आप कोई इंपॉर्टेंट सा सवाल कि यू नो ये मैं करूं और आपको मन के हाँ ठीक है कर. ज्यादा कोई एक्टर आर्ग्यू करता है तो हमारा एक साइन है मेरे और टेक्नीशियंस का, हम लोग कैमरा ही नहीं ऑन करते. ओह, तो बेचारा करके निकल जाता है, उसको लगता है उसने जो कहा हो गया. टाइम कौन वेस्ट करेगा. इनमें से किसके साथ किया आपने? मेरे साथ. हाँ, परिणीति. अभी जब मैं पिक्चर देखूंगी मुझे पता चलेगा कितना है और कितना निकल गया. मुझे बहुत डर लग रहा है. अब आप सभी के लिए एक गिफ्ट है, ये है गोलमाल. तो होने वाला क्या है कि इसमें बजेगा एक गाना जो सुनाई देगा सिर्फ उस आदमी को जिसने ये हेडफोन पहना होगा. उसको इस गाने का सिग्नेचर स्टेप करके बाकी लोगों को ये बताना है कि ये गाना कौन सा है. सबसे पहले शुरू करते हैं तबू मैम. तबू जी के लिए जोरदार ताली एवरीबॉडी. चलिए आइए. ये करो. गो फॉर इट. ये कर रहा है ना. समझ गए आप लोग? समझ गए, समझ गए. ओके, बट जोरदार तालियां हो जाए तबू के लिए. द नेक्स्ट परफॉर्मर ऑन स्टेज इज नन अदर देन नवाया क्या पुया. फंस गया. अब स्टेज पे जो आएंगे वो है श्रेयस तलपड़े. ये इस समारोह में आके मुझे बेहद खुशी हुई है. रेडी श्रेयस, दिस इज योर सॉन्ग. ये नहीं, ऐसे लिप नहीं वाला नहीं. यू कैन लिप सिंग. व्हाट इज इट डूइंग? झलक झलक पायल भाजे. बिल्कुल ऐसे ही उठना पड़ेगा संभाल के. और से देखिए क्या हुआ आज. आज पहली बार हिंदुस्तान में तल पड़े के खुल पड़े. थैंक यू. ऑलराइट, अब अगले. जोरदार तालियां कुणाल के लिए. कुणाल आइए पूरे इमोशन के साथ. दिस इज म्यूजिक. थोड़ा वॉल्यूम दे देना यार, थोड़ा मूड बनेगा. मैं जानना चाहता हूं ये कौन सा गाना है जिसमें मूड बनाना पड़ता है.
ये क्या है? नाच ऋत्विक नाच। जाग जाती है सर, इसके अंदर पक्का है। राउंड। कर लिया कैसे आप मेरे पास? सच्ची बात, आपने ये गाना है ना छुप-छुप के बहुत देखा ना बचपन में? छुप-छुप के क्यों, मैं मर्द आदमी हूं, खुला आम देखा, तेरी तरह थोड़ी है। उन्होंने इतना चोली पकड़ी भी नहीं थी, आपने समझ लिया। मैंने वो तब्बू ने भी जब ऐसे किया, पता है ये फिल्मों की एनसाइक्लोपीडिया है। दैट इज ट्रू। ये कोई भी किसी दिन का भी आप पूछ सकते हो, 1973 में उस दिन कॉल टाइम क्या था वो बता देंगे। थोड़ा ज्यादा हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि परी आप जब आएंगी यहाँ पर ये परफॉर्म करने के लिए तो वो भी रोहित सर बहुत जल्दी पहचान लेंगे। परी नीति के लिए जोरदार तालियां। I hope so. आइए। अर्षद भाई यही वो। चलो और सुनो, कुछ भी करो अपना वो वाला स्टेप है ना, वो ऐसे किक मार के घूमते ना। मैं नहीं कुछ देखना, मैं लात वात नहीं मारूं, मैंने टांग उठाना छोड़ दिया। I would never know this. अनु मलिक का गाना लाइफ में वो नहीं कर सकता यार। ओके लेट्स सी, लेट्स प्लीज वी गो टेक ओवर। मुश्किल है इन्हें इनेक्ट करना। बहुत सारे भाई मेरे को मार पड़वा ले, पिटाई करवा ले, घोड़ा पे चढ़वा ले,
थोड़ा बहुत डाले ठीक है, ये बहुत करो, करना पड़ेगा। तो चले एंड वसूली भाई रेडी। बहुत कहां फंसवा थे, गाना बदल दो, बहुत कठिन है ये। आज मुकेश जी फुल टेंशन में। हाउ टू एक्सप्रेस, बहुत डिफिकल्ट है ये। नहीं कर लो कुछ नहीं, लगे रहो लगे रहो। अरे मूवमेंट बताओ, तो गाना सुन रहे हो? आ रहे आ रहे, उस पे डायलॉग नहीं बोलना है। ये लिरिक्स को थोड़ा एक्टिंग करो, लिरिक्स की एक्टिंग। I'm sorry. नहीं नहीं नहीं, करना पड़ेगा। लिरिक्स की थोड़ी एक्टिंग कर लो, चलो। हीरो कौन है, बोलो बोलो। हाँ, वो हीरो बोल ही सकते हैं। लंबा अमित जी, अमित जी, अमित जी। हाँ। अरे कहीं के पान बना रहे थे यार। नारे। संजू बाबा है। क्षमा चाहता हूँ। नहीं, यू आर सेट संजू बाबा का गाना होगा। गलत हीरो, गलत हीरो। भाई मुकेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली एवरीबॉडी, कम ऑन। अभी मैं आपको बताऊं, द बेस्ट डांसर ऑन द सेट राइट नाउ, जो सिर्फ अकेले नहीं नाचते, सबको नचाते, मैं कसम खा के कह रहा हूं, प्लीज देखो रोहित शेट्टी जी, कम ऑन एवरीबॉडी। आइए सर। अच्छा मैं तेरे को बताऊंगा, तू डांस करेगा ऑन माय बिहाफ। Yes, do it, sir. Come on, sir. Wow! Yeah! Woo! Barish, 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 barish. Pyar hua. Tip, 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 tip. अभी तक बहुत लोगों ने अकीक कॉपी किया है, लेकिन आप जैसा किसी ने नहीं किया। थैंक यू। मेरे को कुछ आपका भी याद आया था, बाद में बोलो। दादा बोलो बोलो ना। कर 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 प्लीज। नहीं 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 दादा, वो कर नहीं सकते। क्यों नहीं, आप लड़कियां कैसे पटाते थे आपने, वो बताया था वॉक में। ये देखना पड़ेगा सर। नहीं वो दादा मारेंगे। मैं कह रहा हूँ, आई प्रॉमिस, मैं लड़की बनूंगा, पढ़ जाऊंगा। बस यही चाहता है। दादा ने एक टेक्निक बताई थी कि क्या करते थे। क्या थी वो? जवानी में बिफोर मैरिज, आप उतना तो सेफ हो गए ना, आप घर जा सकते हो ये एपिसोड के बाद। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। दादा सच में हरकतों से? नहीं दादा, दादा एक्चुअली बहुत इनोसेंट है। अरे बाप रे। अरे दादा क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग? दादा आपने बोला एक्टिंग कर। अर्शद हाँ जी, तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देख पागल आ गया। लुक एट एटीट्यूड, लुक एट एटीट्यूड। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच कि इतनी मस्ती, इतना पागलपन हो रहा है, और भी जारी रहेगा, विल डू मोर। और पिक्चर जो है, एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि 100-200 करोड़ तो कहीं नहीं गए, करेक्ट?
100-200 में 100 का फर्क है। 100 का फर्क है। मैं क्यों कह रहा था करोड़ों, इज बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पर भी एक मौका दिया जाए करोड़ों जीतने का। ओ आपको चाहिए? हाँ 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 करेक्ट। आप लोगों को भी चाहिए कि ये करोड़ों जीत कर जाए यहाँ से। तो आज हम यहाँ पर खेलेंगे कौन बनेगा अरबपति विद द गोलमाल टीम। कौन बनेगा अरबपति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट मिथुन जी, आप सोच रहे हैं कि स्टेडियम में ये सेट क्यों लगाया है कौन बनेगा अरबपति का। इतने सारे हमारे पास सुपरस्टार हैं तो मैंने सोचा हमारी पूरी क्रिकेट टीम बन सकती है, तो मैंने स्टेडियम में इस सेट लगा लिया। हमारी गोलमाल की टीम के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे पास कहाँ है हॉट सीट? एक हॉट सीट तो इधर थी, ये अभी तक ठंडी है, क्योंकि हॉट से भी हॉट हीरोइंस हमारे पास बैठी हुई हैं। जोरदार तालियां हो जाए। आज हॉट सीट हमारे पास तीन है। सर सीट हॉट हो गई कि नहीं? आपके बैठने से हो गई। बस बोलिए ना सर, क्लियरली बोलिए सर, क्लियरली। तबू जी के लिए और परिणीति चोपड़ा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लेकिन हॉट सीट तीन है, खेलने वाले आठ हैं, तो डिसाइड करते हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट। क्या आपके इस तंबूरे का जवाब मैं दे देता हूं कि यह समय समाप्ति की घोषणा। लेकिन यह दिवाली का एपिसोड है तो ये खेल हम यहाँ खत्म नहीं करेंगे। मिलते हैं कल रात और आप सब देखते रहिए द ड्रामा कंपनी सुपर नाइट्स ओनली ऑन सोनी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।